वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि वो पराली न जलाएं और न ही निर्माण कार्य करें, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आ सके। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके इटावा में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किसान जगह जगह खेतों में पराली के ढेरों में आग लगा रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो देखा आपने किस तरह किसान बिना किसी डर के खेतों में पराली जला रहा है। इस बारे में किसानों से पूछा कि वो खेतों में आग क्यों लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगा रखी है। तो किसान का कहना है कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है। मुन्नीलाल जी क्यों जला रहे हो? अब अकेले आदमी अब क्या करना है। अच्छा अच्छा, जो आप आग लगा रहे हैं, इससे मौसम खराब हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लोगों में चुभन हो रही आंखों में। अब ऐसी है कसाब ना, तुम बताओ क्या, हमारे बाली बच्चा तो खत्म हो गया। अच्छा, अकेले है। अच्छा हाँ, अच्छा इस पर रोक लगी है जी, मालूम है आपको जलाने पे? हमें नहीं पता, पता हो तो हम जलाते ही नहीं। अच्छा हाँ, पता हो तो हम जलाते ही। पराली जलाने वाले किसान का ये भी कहना है कि धान की कटाई के बाद पूरे खेत में पराली फैल जाती है, जिसको साफ करने में दिक्कत होती है, इसलिए खेतों में पराली जलाते हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अशोक जी, हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है प्याज जलाने के लिए, उसके बावजूद किसान क्यों जला रहे हैं? वो हम आपको बताएंगे क्या कारण है। वो ये कारण है कि जो मशीन चलती है वो पूरे खेत में डाल देती है, फिर न उसमें रूटर चलता है और न हैरो चलता है, तो मजबूरी हो जाती है किसान की जलाने की। इसलिए जलाते हैं। अच्छा, इस पर जो आप लोग आग लगा रहे हैं, प्रदूषण कितना खराब हो रहा है, लोगों की आंखों में चुभन हो रही है, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते आप लोग? एक बात बताओ, सब साहब सब समझदार नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, होती हैं। वहीं लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों में सांस की दिक्कत, आंखों में जलन की परेशानी पैदा हो रही है। इस बारे में डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि दिवाली के बाद से ही वायु प्रदूषण बढ़ गया। हर रोज ओपीडी में करीब 200 मरीज आ रहे हैं जिन्हें आंखों में जलन और सांस की समस्या है। क्या वजह निकल के आ रही है अभी तक? जो पुराने ओल्ड पेशेंट हैं वो अपने तो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, काफी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हैं, आजकल तो वायरल फीवर है। क्या जो दीपावली अभी निकली है उसके धुएं से आतिशबाजी पटाखे, उससे भी कुछ मरीज आ रहे हैं? किस तरह से बचाव और उपाय की बातें बता रहे हैं आप इनके बारे में? अपने एयरवे को थोड़ा मास्क वगैरह लगा दें, थोड़ा धुएं से बचें, डस्ट वगैरह से बचें। कितने मरीजों की संख्या दिन पे दिन आ रही है यहाँ पे? एक तरफ योगी सरकार जनता से पराली न जलाने की अपील करती है, बावजूद इसके जागरूकता की कमी के चलते किसान खेतों में आज भी पराली जला रहे हैं। किसानों के खुलेआम पराली जलाने से साबित होता है कि वो केवल टीवी चैनलों अखबारों के माध्यम से पढ़ी लिखी जनता से अपील कर रही है। खेतों में काम करने वाले किसानों को जागरूक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।